प्राइम मिनिस्टर इंदौर के मोदी जी, उनका एक मिशन है, उनका एक ड्रीम है, सपना है उनका कि हर घर को साफ पानी पहुंचाना, और उसके तहत जल जीवन मिशन के तहत स्कीमें बनी हुई हैं, सब अप्रूव हुई हैं, पैसा भी आया, सब कुछ आया और काम भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहे हैं, काम सब चल रहे हैं, लेकिन काम के साथ साथ हो क्या रहा है वहां पे, जितनी हमारी गलियां नालियां हैं जो उन्होंने मैनुअल काट के पाइपे डालनी थी उसको जेसीबी से काट के वो काट रहे हैं, और सारी की सारी सड़कें तबाह कर दी, सारी की सारी सड़कें, गांव की गलियां जो सारी की सारी तबाह कर दी, पानी को मिलना रहा, पानी के मिलने के साथ साथ पहले हमारी गलियां नालियां सब तोड़ के रख दी उन्होंने, और कोई इसकी प्रोविज की तरफ कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। और मैंने कमिश्नर साहब के नोटिस में भी ये चीज लाई, और मैं आपके माध्यम से अब एक एलजी साहब से एक प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी पीएचसी वालों को निकेल कर से, जा तो इनकी परवाह नहीं करते हैं वो ठेकेदार लोग, तो जा तो इनकी मिलीभगत रहती होगी ठेकेदारों से, कुछ ना कुछ तो होगा ना, जहां इनकी मिलीभगत होगी जहां इनकी परवाह ही नहीं करते वो लोग। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर एक बार एलजी साहब से प्रार्थना करता हूं कि महकमा को पूछा जाए, और जो जेई लोग अपने हेडक्वार्टर के ऊपर बैठे हुए हैं बाहर निकले, बाहर जाए, जेई कहां लगा है, जेई लगा है मढ़, जेई कहां लगा है खौड़, लेकिन बैठा कहां, बीसी रोड पे, जेई कहां लगा है आरसपुरा, बैठा कहां पे है, बीसी रोड पे, कहीं जाते नहीं ये लोग, तो जाते इनकी मिली भगत होगी, भाई रातों रात जेसीबी लगा के उखाड़ देते हैं। और कई बार मैंने इनके नोटिस में लाई चीजें, तो मेरा फिर आपके माध्यम से एक दरख्वास्त है हिसाब से कि इसकी तरफ ध्यान दे, और मोदी जी का जो ड्रीम है, जो उनका सपना है कि जो पानी हर घर को पानी मिले, हर घर में नल और हर घर में पानी हो, वो पानी तभी होगा जब उसके पानी के साथ साथ हमारी सड़कें भी साफ सुथरी रहेंगी। और मेरा आपके माध्यम से फिर एक बार इनसे दरख्वास्त है कि इसकी तरफ ध्यान दें, और जो मैनुअल इनको पैसा मिलता है तो जेसीबी लगा के जो काट रहे हैं, और जितनी बचत हो रही है उस पैसे की कौन खा रहा है, ना इनको कोई रेस्टोर करने वाला है, ना कोई रेस्टोर करने वाला है, और ना इनको कोई पूछने वाला है कि भाई आपको पैसा मैनुअल का मिलता है, आप क्यों जेसीबी लगा के पैसे काट रहे हैं। आज मैं एक ऐसे इशू के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं कि मोदी जी का एक ड्रीम है, मोदी जी का एक सपना है कि हर घर को साफ पानी पहुंचाना, जैसे हर घर को जल, हर घर को नल। तो स्कीमें तो वो सारी अप्रूव हुई हैं, सब आई भी हैं, सब काम भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें जो ठेकेदार हैं उनको पैसा मिलता है मैनुअल कटिंग करके पाइप डालने का, लेकिन मैनुअल तो कटिंग करते नहीं, वो सीधा जेसीबी मशीन बड़े वाले लगा के तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, और फिर ना उनको कोई रेस्टोर करता है, कोई ना उनको रेस्टोर करता है, जबकि उनको पैसा मिलता है मैनुअल कटिंग करके पाइप डालने का। एक तरफ हमारी पंचायतों वाले गांव के अंदर पाइपें डालते हैं बेचारे, जो भी पैसा मिल गया एक पंचायत को मिलता है, आज एक पंचायत एक एक गांव की एक गली बनानी हो तो उसके ऊपर 10-20 लाख रुपए रखते हैं, एक पंचायत को 2-4 करोड़ जो भी मिलता है वो सारे कंप्लीट करते हैं, और ये आके पाइपें जेसीबी लगा के पूरी की पूरी निकाल देती है। और ये मेरे पास उदाहरण है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखे पाइपें डाली हुई पूरी पूरी रोड काट दिया, सारी की सारी पूरी पूरी रोड काट दिए, ना इनको कोई रिस्टोर करने वाला है, ऐसा लगता है कि यानी डिपार्टमेंट के जो भी पीएचई डिपार्टमेंट के जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के बंदे हैं कहीं जाके कोई राज नहीं इनके लिए। और ये बात मैंने कमिश्नर के नोटिस में भी लाई, चीफ इंजीनियर के नोटिस में लाई, लेकिन कहीं कोई असर नहीं, ये परवाह ही नहीं करते जो ठेकेदार लोग, जा तो इनकी कोई जेईयों से इनकी मिलीभगत रहती है तो जा इनकी परवाह नहीं करते, दो ही चीजें हो सकती है, जा तो इनकी परवाह नहीं करती, जा इनसे मिलीभगत रहती होगी कि जो भी बचत होती होगी आपस में बांटते होंगे। यानी मोदी जी का मिशन हर घर को पानी पहुंचाना सब कुछ है, वो काम भी चल रहे हैं, नहीं कि काम नहीं चल रहे हैं, प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, काम चल रहे हैं, सब पाइपें वगैरह लग रही है, लेकिन मैनुअल कटिंग की जगह से बड़े बड़े जेसीबी लगा के पूरी सड़कें रोडों के रोडे तबाह कर देंगे। और मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से एक दरख्वास्त है, एक प्रार्थना है एलजी साहब से कि इसके ऊपर थोड़ा कोई इनकी निकेल कसे, डिपार्टमेंट वालों को कसे, इनको पीएचई वालों को, क्योंकि जेई इनके कहां बैठते हैं, अगर जेई इनका लगा आरसपुरा में बैठता कहां बीसी रोड पे, जेई लगा कहां मढ़ में तो बैठता कहां बीसी रोड पे, जेई लगाया खौड़ बैठता कहां है आपनूर में, यानी कहीं कोई अपने एरिया में जाके राजी नहीं है, जबकि जो एसडीएम हमारे तहसीलदार है वो हर एसडीएम ऑफिस के ऊपर बैठे हुए हैं, तहसीलदार वहां बैठा है, एसडीएम वहां बैठा है, और जो सब लोग यहां बैठे हैं बीसी रोड के ऊपर। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि पानी मोदी जी बड़ी उनकी तरफ से कोई पैसे की कमी नहीं है, कहीं कुछ कमी नहीं है, लेकिन कमी अगर कहीं आ रही है, पानी तो पहुंचाते पहुंचाते हमारी सारी गलियां इन्होंने खाट के रखती है। मेरा आपके माध्यम से एक बार फिर से एलजी साहब से प्रार्थना है कि इस महकमे की निकेल कसे। और मेरे आज भी सुनने में आया, कल मुझे ऐसी साहब मिले किश्तवाड़ के पीडब्ल्यूडी के पीएमसी भाई के, ऐसी
उन्होंने तो एफ आई आर तक लॉन्च की है इनके खिलाफ, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई इनकी परवाह नहीं करता है। और फिर मेरा आपके माध्यम से एक प्रार्थना है, ये मेरे सारे तरह के बैठे हैं हमारी डिसिप्लिन से पहले, सब जगह यही हाल है, तो अगर गाँव के अंदर पानी पहुँचाना है तो उनके लिए साफ सड़कें भी चाहिए, जरूरी चाहिए, वो उन्हें सारी के सारी उखाड़ के रखती है।